कोरोना वायरस के फैलने के चलते जहां पर लोगों में दहशत का माहौल बना है, वहीं पर लॉकडाउन के चलते गेहूं की फसल की कटाई के लिए मजदूरों का मिलना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर लोगों को फसल की कटाई के लिए चिंताएं दिख रही हैं। हमीरपुर जिला की ग्राम पंचायत जोड़सप्पड़ के गांव सोहरी में भी गेहूं की फसल पक चुकी है। कोरोना वायरस की दहशत की वजह से लोग घरों के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लोगों के द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानियां बरती जा रही हैं। ग्रामीण सुखदेव का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए बार बार हाथों को साबुन के साथ साफ करते हैं और वे एक दूसरे से दूरी भी बनाकर रहते हैं। सुखदेव ने कहा कि गेहूं की फसल पक चुकी है, लेकिन फसल की कटाई के लिए मजदूरों का मिलना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर वे काफी चिंतित हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान जो है गेहूं की फसल पक रही है, तो आप किस क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको उसको काटने के लिए? हाँ, कटाई तो नजदीक पहुंची है, लेकिन अभी ऐसा है कि हर साल हम मजदूरों से काम लेते थे और मजदूर तो है नहीं, मजदूर ना किसी भी ढंग से आ नहीं पाएंगे और जो चले गए वो वापस मुश्किल है आने के लिए, और बाकी हमें खुद ही काटना पड़ेगी। लेकिन बहुत मुश्किल है, जिनके घर में कम है कुछ भी है, मतलब करने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है। पता नहीं कब क्या होगा, क्या नहीं, ख़त्म होगी कि नहीं होगी, कैसे होगा। कई घर में बीमार हैं, कोई कुछ है, कोई कम आदमी है, तो मजदूर से काम लेते थे, तो मजदूर की काफ़ी दिक्कत है। कोरोना वायरस के सावधानियाँ बरतने के लिए हम जो है वो आपस में दूरी बनाए रखे हैं और अपने मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। जब भी कोई चीज़ खाने पीनी है या कुछ भी करना है तो हाथ वगैरह जो हम साबुन से अच्छी तरह से धो रहे हैं, और जो भी खाना पीना वो साफ़ सुथरा खा रहे हैं। कोई भी हमें ऐसे को काम नहीं कर रहे हैं जिससे को किसी को दूसरे को खतरा हो जाए, और बाकी ये दिक्कत तो सभी के पूरे देश में पूरे संसार में, लेकिन इसका हमें ठीक ढंग से ये मुकाबला करना है। फसल हूँ पकने पक्की ही तो बाहर जाने हम जो ना करा दे, गए था वे इकट्ठे होने चली जाते गाँव के, थोड़ा चलो आपू चा एक दूए की हेल्प भी हो जाती ही, हूं कट्ठे होने जाने भी मना करा दे, कल्ले जाने दिक्कत हो जी, कट्टने वाला कोई टीए भी जो कुछ करी लीए मजदूर वगैरह तो असा मिलना थे नहीं, ये दिक्कत हो रही खाने घरे ते बहर घट जा दे, बार बार हाथा धोवा दे, एक दूए ते दूरी बनाई के रखा दे, कने मास्क लगाई के रखा दे। आपको बता दें कि गेहूं की फसल की कटाई के दौरान लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। परेशानियां तो हमें ऐसे आ रही हैं कि जब घास लाना तो सुबह शाम ही लाते हैं, दिन में तो निकलना नहीं पड़ता, धूप होती है, और उधर जाना है खाड़ खूड़ लाना है, राशन लाना है भैंस के लिए, चारा तो सिर पे उठा के थोड़ा लाना नहीं है, तो गाड़ी है वो तो उसके ऊपर तो मना कर रहे हैं कि नहीं लाना है, तो सिर के उठा के कहाँ लाएंगे हम 4-5 किलोमीटर दूर से। इसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे घास वगैरह के लिए जाना तो लॉकडाउन की वजह से सुबह सुबह जाना पड़ता, पर फिर भी डर होता कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए हमें, मतलब कोरोना का डर है। तो जैसे हमने गाय के लिए बुड़ुएं वगैरह भी लेके आनी है बाजार से, तो हमें बड़ी दिक्कतें आ रही है क्योंकि ऑटो टेम्पो नहीं चल रहे हैं, तो कैसे जाना, लोग गाड़ियों वाले मना करें कि हमारा चलान हो जाएगा, ये तो कैसे ले आए इतनी बड़ी बोरी, और हमें तो इतनी दूर जाना पड़ता है पट्टा में, जैसे 5 किलोमीटर है, तो कैसे जाना, हम सिर पे थोड़ी उठा के लेके आ सकते हैं। इसी कटाई के लिए हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं, चलो नौजवान लोग तो खुद सुबह शाम दो दो घर के आदमी जाके सुबह शाम थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी पे काम करवाते हैं, उनके लिए बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ है इससे तो 3-4 आदमियों से ज्यादा तो एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और जो मजदूर लोग हैं उनको भी काम करने के लिए मना किया गया है, तो ये बड़ी भारी समस्या है आने वाले समय में। अगर ऐसा ही हाल रहा तो ये जो हमारी फसल है इसका भी मेरे को लग रहा है कि काफी नुकसान होने वाला है। वैसा हानि तो पड़ेगी, देखो एक तो हमारी सरकार ने लॉकडाउन करके रखा हुआ है, जो लॉकडाउन किया है सरकार ने वो तो बहुत अच्छा किया, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार का जो धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए, वो हमारे बारे में सोच रही है। लेकिन अब जो कटाई हो रही है इसमें तो हमें बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि कटाई के लिए हमें मजदूर नहीं मिलेंगे, मजदूर नहीं मिलेंगे। दूसरी बात और, जो हमारे थ्रेसर हम बाहर से आते हैं
अभी थ्रेसर वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं जा सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। अब ये लॉकडाउन जो लगा हुआ है तो ये बोल रहे हैं कि अगर लॉकडाउन खुलेगा तभी हम थ्रेसर ला सकते हैं, ऐसे हमारी हो सकता है चलान हो जाए या इसका आरसी कैंसिल हो जाए, तो उसके लिए वो भी मना कर रहे हैं कि हम थ्रेसर नहीं जोड़ सकते हैं जब तक लॉकडाउन है। तो अगर लॉकडाउन का इंतजार करते रहे तब तक तो हमारी फसल जो पूरी बर्बाद हो जाएगी। भाई अहम जो ना भाई जाने बड़ी मुश्किल है, मंजाओं का पाना बाहर अंदर जाना, सियाने आदमी ना है घरे, गांह दी फसल दी कटाई होनी तो अहम जो कोई बंदा नहीं मिलना तो अहे कैसे कटाई करोगे। काफ़ी परेशान है, हमारी काफ़ी परेशानी, काफ़ी परेशानियां ने सानू बहुत ज़्यादा। बड़ी मेहरबानी है तुंदी कि नहीं हब मारिए करी ना है कुछ नहीं जा सका दे तो आंदी जेड़ा फसल है फिर रुड़ी आऊंगी तो क्या खाऊंगे। है आपकी जमीन है गांव में ही है, आपका खेत पास में ही है और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग आपको, क्योंकि अभी 10-15 दिन बाद में हमारे यहाँ से कटाई स्टार्ट हो जाएगी तो उसके रेस्पेक्ट में हमने मतलब क्योंकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है लेकिन हमारी एडवाइज रहती है गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइज है और हम इसको मॉनिटर भी करते हैं कि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर करके। उसके अलावा किसी को मूव करना है, किसी किन्हीं का खेत दूर है या आप इक्विपमेंट जैसे मशीनरी से आप कटाई करते हो, आप कुछ मशीन खराब होगी किसी मोटर खराब होगी तो उन चीज़ों के लिए भी हम लोग इनको जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हमने परमिशन दे रखी है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अपने लेवल पे पास इशू कर सकता है अगर किसी को मूवमेंट की जरूरत है या किसी और जगह पे इन चीज़ों में, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे वेटनरी डिपार्टमेंट है और ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, लेकिन अगर बाहर जाना भी है अपने ज्यूरिडिक्शन से तो उसमें आप पास ले सकते हैं। सर जो बाहर